लोग हैं, मेरे को ये ऊपर चला गया यार। नीचे बार बार जाता तो अपना काम इजी हो जाता, बट अभी ये ऊपर जा चुका है। मुझे ये भी नहीं पता कि मैं ऊपर जा सकता हूँ या फिर नहीं। चुपचाप चल के देखते हैं ऊपर, अगर गार्ड्स वगैरह हुए तो मैं वापस निकल लूंगा। जैसे नहीं यार, ऊपर नॉर्मल ऑफिस बना हुआ है, ऊपर तो और भी ज्यादा भीड़ है। बट वेट, वो बंदा किधर चला गया? आया तो ऊपर ही था पर मैंने ध्यान नहीं दिया यार, डर के मारे। क्या ठीक है, यहाँ पर काफी सारे लोग अपना ऑफिस में खड़े हुए हैं, इनमें से तो मुझे दूर दूर तक कहीं पर भी वो बंदा नजर नहीं आ रहा। एक बारी ना इस तरफ में चलकर देखता हूँ, यहाँ पर शायद से नहीं आ रहे, तो मस्त एकदम कैफेटेरिया, इधर कुछ भी नहीं है। लेट्स गो यार, यहाँ से बाहर निकलते हैं। वहां पर एक बालकनी है, वहां पर चलकर देखता हूँ, हो सकता है वो बंदा वहां पर क्या हो। वरना मेरे सबसे वो राइट साइड में मुड़ा था, इधर ना ऑफिस भी बने हुए हैं। वेट वेट वेट, ये तो सारे खाली पड़े हैं। शिट, तो अभी ना मुझे फटाफट से ऊपर वाले फ्लोर पर चलकर देखना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कैमरामैन फर्स्ट फ्लोर पर आया होगा। मतलब यार आया होता तो दिख जाता, क्योंकि ये वाला फ्लोर प्रॉपरली ओपन फ्लोर है, सब कुछ नजर आ रहा है। लेट्स गो, मैं आ चुका हूँ इस टाइम पर इस बिल्डिंग के सेकेंड फ्लोर पे। और एक सेकेंड, यहाँ पर भी एक रूम है जिसके बाहर बॉडी गार्ड खड़ा हुआ है, यानी मैं वहां नहीं जा सकता। एक बार ये वाला रूम चेक करता हूँ। अच्छी, ये रूम नहीं है, ये तो ऊपर जाने की सीढ़ी है, यहाँ जाने का कोई फायदा नहीं है। इस तरफ में एक ये कैंटीन है, और वो बंदा यहाँ पर भी नहीं है। क्या यार, मन कर रहा है वहां जाके कॉफी बनाऊं और पी लूं आराम से। एक ये बड़ा रूम लग रहा है यार, ये हॉल सा है कुछ तो। वेट, ये तो वही जगह है जहां पर से हमें फेक न्यूज बना के लानी है और लाइव करनी है। शायद यहाँ पर थोड़ी देर में कोई ना कोई शो स्टार्ट होने वाला है, और ये लोग प्रॉपर कैमरा वगैरह लाइट्स वगैरह सेटअप कर रहे हैं। मैं साफ सफाई करने नहीं वाला, कि काली पीली पता लगा मेरे को पकड़ लें और साफ सफाई करवाने लग जाए। मैं इससे पहले चुपचाप निकल लेता हूँ किसी और रूम को चेक करने के लिए। आगे चलकर देखते हैं भाई, ये जो भी हो यार, विजन न्यूज तो बहुत बढ़िया जगह है। मतलब क्या मस्त रखते हैं यार ये लोग अपने एम्प्लॉय को, हर जगह कोल्ड ड्रिंक वगैरह की मशीन लगा रखी है। इस रूम के अंदर चलकर देखते हैं। और भाई साहब, ये भी एक बहुत ज्यादा मस्त रूम है। बाय द वे गाइस, जिस कैमरामैन की मैं तलाश कर रहा हूँ वो शायद से इस रूम में भी नहीं है, यानी अपना यहाँ पर आने का कोई फायदा नहीं हुआ। लेट्स गो, फटाफट से चलते हैं किसी और जगह पर उसको ढूंढने के लिए। और एक सेकेंड, ये जो बंदा सामने खड़े होकर कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, ये शायद से वही है। मैं इसको मार सकता हूँ, बट एक सेकेंड, ये कहीं पर जा रहा है, ये शायद से वापस नीचे जा रहा है। फटाफट से इसका पीछा करते हैं और मौका आते हैं। और एक सेकेंड, ये नीचे नहीं जा रहा है यार, ये वापस से इसी रूम में आ चुका है। मेरे को इसको उसी टाइम मार देना चाहिए था, क्योंकि वापस यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। मैं ट्राई करता हूँ एक बार इसका पीछा करने का। वेट वेट वेट, ये वापस से किसी और रूम में जा रहा है। चुपचाप इसके पीछे पीछे निकल लेता हूँ। मेरे को अभी तक किसी बंदे ने नहीं रोका, यानी किसी को शक नहीं हुआ है। वेट वेट वेट, ये खाली जगह, यहाँ पर मेरे को कोई भी बैठा हुआ नजर नहीं आ रहा। ये यहाँ पर आ चुका है, ये सही मौका है, मुझे फटाफट से ना यार इसको निपटाना होगा जल्दी से। ओके, तो अभी मैंने अपना सामान नीचे रख लिया है, गन बाहर निकाल लिया है, और मैं इस टाइम फुल रेडी हूँ इस बंदे को किडनैप करने के लिए। लेट्स गो, ये बंदा बेचारा देखते ही डर गया हमें, और आखिर डरेगा कैसे नहीं, इसके मत्थे पे अपनी पिस्तल का एम जो बैठा रखा है मैंने। लेट्स गो, और फटाफट इसको प्यार से समझाते हैं, लेकर चलते हैं अपने साथ। गाइस, तो इस टाइम ना इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, कि मैंने इसको बोला है कि इसकी फैमिली की जान इस टाइम पर बहुत ज्यादा खतरे में है, और अगर ये उनको बचाना चाहता है तो इसको मेरे साथ चुपचाप चलना ही होगा, वरना मैं इसकी भी बैन यहीं के यहीं बजा डालूंगा। और ये बेचारा सच्ची में बहुत ज्यादा डर चुका है। और एक, अरे मेरे भाई, ये अब मेरे से ना बहुत ज्यादा बुरी तरह पिटने वाला। हां, अब मार तेरी ऐसे की तैसी। एक सेकंड, इधर आइयो, ले ले भैंस की टांग। अब बोल फालतू, एक मिनट रुकना, जरा गन निकालो इसको। भाई सब कुछ अलग ही चौड़ में आ रहा है बंदा। उठ भाई, मतलब इसको लग रहा है कि एक नकली वगैरह का है, हैं ज्यादा चौड़ा होगा। अब बोल बोल, चुपचाप चलने हमारे साथ। लेट्स गो, मुड़ 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 मुड़, इसके गात बजानी पड़ेगी, पर मैं मारना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि अपना ही नुकसान हो जाएगा। अभी फटाफट से इसको अपने साथ लेकर चलते हैं। भाई साहब, अब मजे आने वाले हैं। कैमरामैन अब सचमुच में डर चुका भाई, उसकी हालत खराब हो रही है, बेचारा रोते रोते हमारे साथ चल रहा है। डन भाई, इसको एक काम करता हूँ, छत के रास्ते में यहाँ से बाहर निकाल लूंगा। बाकी ठीक है यार, राइट साइड में एक बॉडी गार्ड खड़ा हुआ है, इसको अगर शक होगा तो मैं गन निकाल के इसको भी ठोक दूंगा। बाकी नहीं, ये अपना अलग ही चुपचाप खड़ा हुआ है। पड़ा, ओए नीचे नहीं, नीचे नहीं, छत पे चलना बेटा, चुपचाप से आ जाओ। लेट्स गो, इसको मैंने पूरा समझा दिया है, अब बस ये देखना होगा कि छत के थ्रू मैं नीचे कैसे आऊंगा। वैसे हाँ, मैंने दूसरी वाली बिल्डिंग से देखा था, छत पर एक हेलीकॉप्टर भी है, उस हेलीकॉप्टर में ही बिठा कर मैं इसे निकल सकता हूँ। बस हेलीकॉप्टर को भी यार बाद में ब्लास्ट करना पड़ेगा। लेट्स गो, हम लोग फाइनली छत पर आ चुके हैं। छत पर एक गार्ड था, मैंने उसे मार दिया था, बट यहाँ पर एक गार्ड हो रहा है। वेट, ये अपना उस बंदे को, भागे भागे नहीं, चुपचाप से मैं इसको भी निपटा देता हूँ। वेट, और लोग, लेट्स गो, कोई भी नहीं यहाँ पर।
हेलीकॉप्टर, ओ चल 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 फटाफट से चल के हेलीकॉप्टर में बैठ, अपने पास बिल्कुल टाइम नहीं है, जल्दी से चल के मैं भी हेलीकॉप्टर में बैठता हूँ और फटाफट से हम लोग निकलते हैं सीधा किसी दूसरी लोकेशन के लिए। अपनी गाड़ी नीचे खड़ी है बट वो काम अपना बॉडी गार्ड कर देगा, फिलहाल अभी ये हेलीकॉप्टर लेकर मुझे यहाँ से निकलना है। तो अभी ना फटाफट से मैं अपने हेलीकॉप्टर को टेक ऑफ करता हूँ और लेकर चलते हैं इसे फटाफट किसी और बिल्डिंग पर, मतलब मैं यहाँ से ज्यादा दूर नहीं जाने वाला हूँ, किसी आसपास वाली बढ़िया सी बिल्डिंग पर इसको लैंड करा देंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ विजल न्यूज वाले बाद में अपने हेलीकॉप्टर को ट्रैक करें और हमारे तक पहुंच जाएं। हमें इस हेलीकॉप्टर को ब्लास्ट भी करना होगा। बाय द वे मैंने हेलीकॉप्टर में बैठते ही अपने बॉडीगार्ड को बता दिया था यहाँ पर पहुंचने के लिए। ये जगह मुझे थोड़ी बहुत सही लग रही है, यहाँ पर सेफली मैं इस हेलीकॉप्टर को लैंड करा सकता हूँ। आराम से एकदम नीचे लेकर चलते हैं। भाई हेलीकॉप्टर सच में बहुत ज्यादा मस्त है, इसे ब्लास्ट करने का मन नहीं कर रहा क्योंकि इसने काफी सही टाइम में अच्छी खासी स्पीड पकड़ ली थी। बट हाँ यार, इतना तुमको समझ आ गया, प्लेन से थोड़ा बहुत मुश्किल है इस हेलीकॉप्टर को उड़ाना। परफेक्ट, यहाँ पर लैंडिंग करा दिया है, डन भाई। तो अभी फटाफट अपने हेलीकॉप्टर से बाहर निकलते हैं। अपनी गन भी मैं अपने हाथ से निकाल कर इसके मत्थे पे तान देता हूँ ना, वरना ये बंदा बहुत ज्यादा चला गया। चलो आओ बेटा फटाफट से चल के गाड़ी में बैठो, चल 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 जल्दी जल्दी जल्दी। इसको पीछे वाली सीट पे बैठने के लिए बोल देते हैं, मैं चल के बैठता हूँ गाड़ी के आगे वाली सीट पर। बढ़िया, अभी इस टाइम पर ये बेचारा बहुत ही ज्यादा डर चुका है शायद से, और डराने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी हमें इससे प्रॉपर फिल्मिंग भी तो करानी है। पूरी फेक रिकॉर्डिंग आज के आज ही करा कर इसको न्यूज़ पे लाइव करवा देंगे ताकि कल तक सबको पता चल जाए माइकल मर चुका है। मतलब हमें असलियत में दिखाना ही पड़ेगा जैसा कि लेस्टर का प्लान है, वरना हमारा बचना यार सच्ची में बहुत ज्यादा मुश्किल है। डन गाइस, तो अभी मैं अपनी गाड़ी लेकर फाइनली ग्राउंड फ्लोर पर आ चुका हूँ। अब जल्दी से चलते हैं उस लोकेशन पर जहाँ पर हमें लेस्टर ने मिलने के लिए बुलाया, मतलब वही जगह जहाँ पर माइकल का फेक डेथ सीन शूट होने वाला है। ये कैमरामैन सब कुछ शूट करके उसे लाइव करेगा और फिर सबको पता चल जाएगा माइकल मर चुका है। ये सोच के मुझे थोड़ा बहुत बुरा तो लग रहा है, बट हाँ यार इसके अलावा अपने पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। मतलब माइकल की फैमिली को जब पता चलेगा और बाकी माइकल के पुराने फ्रेंड्स सबको पता चलेगा माइकल मर चुका है, तो यार वो कितना ज्यादा बुरा माहौल होगा ना। वेल, तो फाइनली मैं अपनी गाड़ी लेकर पहुंचने वाला हूँ सीधा लेस्टर के पास। बाय द वे ये जो जगह है जहाँ पर लेस्टर ने हमें मिलने के लिए बुलाया है इस बारी, ये सच्ची में बहुत ज्यादा सुनसान है क्योंकि यहीं पर होने वाला है माइकल का फेक इनकाउंटर। तो सीधी सी बात है ना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए वरना वो पूरे में गाह देगा कि माइकल सच्ची में नहीं मरा है। ठीक है, फटाफट से अपनी गाड़ी को यहीं से अंदर लेकर चलते हैं क्योंकि यही है वो लोकेशन। तो चलो अब देखना ये होगा कि आखिरकार लेस्टर ने क्या प्लान बनाया है माइकल के फेक एनकाउंटर का, क्योंकि मैं इस चीज के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ। वो बैठा लेस्टर आराम से कोने में अपना छुप के, अपनी गाड़ी को आराम से मैं यहाँ पे लाकर पार्क करता हूँ और अब जल्दी से चलते हैं हम लोग उससे मिलने के लिए और फिर देखते हैं आखिरकार क्या सीन है। ये कैमरामैन भी बाहर आ चुका है। ना 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 भैया, अभी इतनी ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब सारा काम लेस्टर करने वाला है। तो चलो गाइस, अभी मेरी फिलहाल लेस्टर से बात हो चुकी है और लेस्टर कह रहा है कि इस टाइम पर प्लान में कुछ चेंजेस हैं। मतलब इसने इस मास्टरमाइंड प्लान को सुपर मास्टरमाइंड प्लान में कन्वर्ट कर दिया है। ये एक तीर से दो निशाने लगाने की प्लानिंग में है। आप लोग को याद होगा कुछ टाइम पहले हम लोगों ने अपने पुराने दुश्मन अंडरवाटर माफिया को उसके जिम में घुस के उसकी पिटाई करी और लाकर लेस्टर के हवाले कर दिया था, क्योंकि एट द एंड वो हमें मारना चाहता था। उसने हमारे घर पे अटैक करा, हमारी गाड़ियां चुराई और बहुत नुकसान करा था। बट अभी वो अपने कब्जे में है, पर फिर भी लेस्टर ने उससे दोस्ती कर ली क्योंकि हमें माइकल का फेक एनकाउंटर भी तो करवाना है। लेस्टर ने उसे ले जाकर खूब सारे वेपन्स दे दिए और उसको एक टाइम बता दिया कि आज दोपहर को माइकल यहाँ से जाने वाला है, तो तुम जाकर माइकल को मार सकते हो और अपनी दुश्मनी पूरी कर सकते हो। यानी दोपहर को अंडरवाटर माफिया यहाँ पर आने वाला है हमें मारने के लिए, बट वो जिस बंदे को मारेगा वो हम नहीं होंगे। गाड़ी हमारी होगी, गाड़ी चल भी रही होगी, पर गाड़ी के अंदर बैठा होगा ये बंदा। इस बंदे को लेस्टर पकड़ कर लाया है और ये चीज उसे नहीं पता चलने वाली क्योंकि गाड़ी के सारे शीशे ब्लैक हैं, गाड़ियों से गोलियां अंदर जाएगी, सारे शीशे नहीं टूटेंगे। उसको लगेगा उसने हमें मार दिया है और वो हमें मार के भाग जाएगा क्योंकि तुरंत यहाँ पर एक फेक पुलिस सायरन बजने वाला है। तो अभी हमें कुछ करना नहीं है, जैसे ये बंदा मर जाएगा हमें जाकर इसकी जगह लेनी है। इसको गाड़ी से निकालकर साइड में फेंकेंगे और मैं गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ जाऊंगा। बट जाने से पहले मुझे इससे एक फेक मेकअप करवाना होगा ताकि लगना चाहिए गोलियां मेरे पड़ी है, तो वो सब तो ईजिली हो जाएगा। बस मैं जैसे गाड़ी में बैठूंगा उसके बाद एक कैमरामैन वहां पर आएगा और बस मुझे कुछ इस तरीके से मरने की फेक एक्टिंग करनी है और ये सारी चीज रिकॉर्ड हो जाएगी और लगे हाथ ये सब कुछ लाइव लगा देगा वो विजन न्यूज पे, और जिससे पूरे शहर को पता चल जाएगा कि माइकल अब नहीं रहा।
ये चीज तो बहुत इंटरेस्टिंग है, पर इसमें दो तीन रिस्क थे। मतलब बाद में पुलिस पूछेगी कि माइकल की फेक बॉडी कहाँ गई, तो लेस्टर भाई साहब जी ने उसका भी जुगाड़ कर रखा है, हम बॉडी पुलिस तक जाने नहीं देंगे। लेस्टर तुरंत ये कॉफिन लेकर आएगा, अपनी बॉडी उसमें डालेंगे और हम लोग चले जाएंगे सीधा फ्यूनरल के लिए। बॉडी भी अपनी नीसी की जाने वाली है, हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, हम अपना आराम से किसी गाड़ी में एंजॉय करेंगे। ये चीज बहुत ज्यादा फन है। फटाफट से चल के मेकअप करवाते हैं क्योंकि अगले एक घंटे में अंडरवाटर माफिया भैया गन्स लेकर यहाँ पर पहुंचने वाला है। डैन गाइस तो अभी अपना मस्त मेकअप कंप्लीट हो चुका है और लिटरली देखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे हाँ हमारे साथ कोई बुरा ही हादसा हुआ हो। वैसे हाँ अभी लेस्टर एंड ये जो बंदा है ये लोग जाने वाले हैं उस लोकेशन पर जहां पर अंडरवाटर माफिया आकर इस गाड़ी पे बहुत खतरनाक तरीके से गोलियां चलाने वाला है। टेंशन मत लो, लेस्टर नहीं है गाड़ी में, मतलब लेस्टर है गाड़ी में पर वो वहीं पर उतर जाएगा। और अभी फटाफट से मैं भी चलता हूँ कैमरामैन के साथ उस जगह पे। और वेट यार, क्या ही खतरनाक लुक हो चुकी है यार इस टाइम पर माइकल की। यार सच्ची में इस टाइम ना बहुत ज्यादा अलग फील आ रही है, पता नहीं हम लोग ये कैसा सही काम करने जा रहे हैं। खैर ठीक है, मैं यहाँ पर पहुंच चुका हूँ और एक सेकेंड ये देखो लेस्टर अपना यहाँ पर आकर लेट के छुप चुका है। और ये वाली जो गाड़ी है ये इस टाइम पर जाने वाली है सीधा सामने की तरफ में, क्योंकि अंडरवाटर माफिया आएगा इधर से, ये वाली गाड़ी आएगी इधर से। भाई मैं कोई देरी नहीं करने वाला, फटाफट से मैं भी यहीं कहीं पर आराम से छुप जाता हूँ। मेरे को समझ नहीं आ रहा, मेरे हिसाब से ये वाली जगह ज्यादा बढ़िया है, मैं अपना यहाँ पर लेट जाता हूँ जल्दी से। ऑल डन गाइस, तो अभी फटाफट से हम तीनों लोग यहाँ पर आकर लेट चुके हैं, बाकी अपना कैमरामैन नहीं लेटा है, वो आराम से बैठकर इस पूरे के पूरे सीन की रिकॉर्डिंग जो करने वाला है। बाकी हाँ अपना जो ड्राइवर है वो उस कोने में जाकर खड़ा हो गया और टाइम का इंतजार कर रहा है। वैसे टाइम हो ही चुका है, शायद से थोड़ी देर में अंडरवाटर माफिया यहाँ पर आएगा और बहुत ज्यादा कलेश यहाँ पर होने वाला है। अभी तक तो कोई भी गाड़ी नहीं आई। वेट, ये व्हाइट कलर की रेंज रोवर आई है और शायद से यही है उसकी गाड़ी। बहुत ज्यादा बुरी तरह टक्कर हो चुकी है और नॉर्मल लोगों की भी गाड़ियां यहाँ पर जा रही है। एक सेकेंड भाई साहब, कितनी ज्यादा खतरनाक गंदी थी यार इसको। वेट, पूरी तबाही मच चुकी है इस टाइम पर गाड़ी में। और वेट, इसकी क्या खतरनाक टक्कर पड़ गई है और इस टाइम पर इसको भाग रही होगा। पूरा सीन यहाँ पर एकदम मस्त रिकॉर्ड हो चुका है और अंडर वाटर माफिया फुल स्पीड में यहाँ से उस बंदे को मार के भाग चुका है। लेट्स गो, पुलिस का भी सायरन बज गया है और बेचारा यहाँ से निकल चुका है मस्त। अभी अपने कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अपना काम हो चुका है। नॉर्मल लोग बेचारे डर गए हैं बहुत ज्यादा बुरी तरह। लेट्स गो गाइस, तो अभी अपना मस्त काम हो चुका है। फटाफट से ना मैं चल के अपनी जगह बदल लेता हूँ, भाग के चलते हैं। कोई गाड़ी वाड़ी इस टाइम पर रोड पे नहीं आ रही है, इसको बाहर निकालते हैं, इसकी जगह पर मैं आने वाला हूँ। भाई क्या बुरी तरह इसकी गोलियां पड़ी है, मैं बैठ जाता हूँ, इसकी बॉडी ठिकाने लगा लेगा, फिर हम लोग दोबारा से रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। अब भाई साहब गाड़ी लेकर जाओ। अब यार अलग ही आगे गाड़ी रुको, देख ना ले कहीं माइकल को। खैर ठीक है, इसको सेटअप करो भाई। तो चलो यार अभी ना फटाफट से एकदम मस्त मरने का एक्टिंग करते हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा बुरी तरह हालत हो चुकी है। लेट्स गो, ये मैं गिर चुका हूँ गाड़ी के हॉर्न पे। ये कैमरामैन मेरे को बाहर निकालने आगे गाड़ी से। अरे भाई भाई आराम से यार, मतलब एक्टिंग करनी है इसका मतलब ये नहीं थोड़ी बदतमीजी करेगा। पर कोई नहीं यार, पुराना बदला निकाल रहा है भाई थोड़ा सा। और इसने भी यहाँ पर पूरी मेरी वीडियो बना ली है, गाड़ी वगैरह के भी इसने वीडियो बनाना स्टार्ट कर देगी किस तरीके से हमारे ऊपर मस्त अटैक हुआ है और अभी वो मुझे मार कर जा चुका है। तो अभी लेस्टर भी यहाँ पर आकर अपनी बहुत खतरनाक एक्टिंग करने वाला है क्योंकि हम लोग उसके काफी ज्यादा क्लोज फ्रेंड थे, तो लोगों को पता चलना चाहिए ना कि यार कितना ज्यादा दुख हुआ है माइकल के जाने के बाद। और ये अपने वीडियोग्राफर भाई पूरी मस्त सारी चीजें रिकॉर्ड कर रहे हैं मस्त एंगल से। लेट्स गो, पूरा लेस्टर आकर भाई खतरनाक एक्टिंग कर रहा है। मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट क्लिप सारी रिकॉर्ड हो चुकी है और अभी हमें अपनी एक्टिंग खत्म करनी चाहिए। नहीं, थोड़ी बहुत और रिकॉर्डिंग हो जाने देते। अरे 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 भाई साहब, बस भाई बस, लेस्टर बहुत एक्टिंग हो गई। ठीक है भाई बस करते हैं, कुछ ज्यादा एक्टिंग हो रही है अभी। डन गाइस, तो भी फटाफट से मुझे उठना चाहिए। बाकी यार ये दोनों लोग तो लग चुके हैं अपना मोबाइल पे इस क्लिप को पूरे के पूरे सोशल मीडिया पे वायरल करने में। और उसके बाद लेस्टर और ये और अपना बॉडीगार्ड तीनों लोग जाने वाले हैं सीधा विजन न्यूज, मतलब रात में ये लोग जाएंगे और इस क्लिप को चुपचाप से पूरे न्यूज चैनल्स पे चला देंगे ताकि हर एक बंदे को पता चल जाए कि माइकल जो सबसे बड़ा गैंगस्टर था अब वो मर चुका है, अब कोई खतरा नहीं है। बाकी यहाँ ये एक तरीके से अच्छी बात भी है कि हम लोग अब पुलिस से सेफ हैं, बट एक तरीके से थोड़ी सी बुरी बात भी है कि अब माइकल अपने रियल फेस को लेकर कभी भी इधर उधर नहीं जा पाएगा। या तो मुझे थोड़ी बहुत लुक चेंज करनी पड़ेगी, या फिर हमेशा छुप के रहना पड़ेगा, या फिर हमेशा अपना फेस कवर करके ही बाहर निकलना पड़ेगा। खैर ठीक है, इस सीन के बाद हम लोग काफ़ी ज़्यादा सेफ रहेंगे, ये ज़्यादा बड़ी अच्छी बात है। बाकी अब देखना ये होगा
कि लेस्टर हमारी बॉडी का फ्यूनरल कैसे करने वाला है। मेरे को तो इसने पलीटो जाने के लिए बोल दिया, ये कह रहा है जब तक सारा मामला शांत नहीं हो जाएगा तब तक वापस मत आना, क्योंकि सीधी सी बात है अगर अभी भी किसी बंदे ने हमें देख लिया तो ये सारी न्यूज़ फिर फेक न्यूज़ बन जाएगी, जो कि हमें बिल्कुल नहीं दिखानी। माइकल की डेथ हमारे लिए फेक है पर दुनिया के लिए रियल होनी चाहिए। बाकी हाँ ठीक है, ये एकदम सुनसान रास्ता है, लेस्टर ने बोला है चुपचाप इस रास्ते के थ्रू पलीटो के लिए निकल लो और जब वो कॉल करेगा तभी हमें यहाँ पर वापस आना है। उसके अलावा अगर आएंगे तो फिर हम अपने रिस्क पे हैं, ये सारा काम खराब हो सकता है, तो इसलिए मैं चुपचाप जा रहा हूँ पलीटो के लिए। बाकी गाइस आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो फटाफट से इस वीडियो को जाके लाइक करना। इस वीडियो पर एम करते हैं 1.5 मिलियन लाइक के लिए, तो सभी लोग जाओ जल्दी से लाइक का बटन दबा के गोल कंप्लीट कर दो। और जो भी चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट्स में जाके जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।